मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट्थ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू टू क्या कहते हैं एट्थ का फर्स्ट पार्ट शो दैट देयर इज़ नो रियल नंबर के फोर विच द इक्वेशन एक्स की पावर फाइव माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो हैज टू डिस्टिंक्ट्स रूट्स इन क्लोज इंटरवल टू टू फाइव ठीक है कहते कि कोई एक इक्वेशन दे रखी है उसके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स इस इंटरवल में होंगे क्या कोई ऐसा के एग्जिस्ट करता है हमने शो क्या करना है कि ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए इस इक्वेशन के पास दो रूट्स लाई करेंगे इस इंटरवल में ठीक है तो हमारे पास क्या फंक्शन दे रखा है लेट किया हमारा हेफेक्स के एक्स की पावर फाइव माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस के ठीक है वही कहते कि दो रूट्स शो करो के किसी के के लिए दो रूट हैं तो सपोज कर ले अल्फा और बेटा हमारे क्या है दो डिफरेंट रूट हैं एफ एक्स के जो किस में लाई करते हैं क्लोज इंटरवल टू टू फाइव ठीक है इट मीन्स जो हमारा अल्फ़ा बीटा है वो कहाँ लाई करेगा क्लोज इंटरवल टू टू फाइव ठीक है इसके बीच में कहीं पे भी ये हमारा अल्फा बीटा क्लोज इंटरवल लाई करता है ठीक है फिर क्या है एफेक्ट्स क्या हमारे पास पलनोमियल फंक्शन है पलनोमियल फंक्शन क्या होते हैं हमेशा कॉन्टीन्यूस और डेरीवेबल होते हैं हर रियल्स के लिए ठीक है तो इस क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा के लिए भी क्या होंगे कॉन्टीन्यूस भी होंगे और डेरीवेबल भी होंगे ठीक है तो हमारा ये फंक्शन क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा और के लिए कॉन्टीन्यूस हो गया और ओपन इंटरवल के लिए डेरीवेबल हो गया ठीक है दूसरी बात अल्फा बीटा अगर इस फंक्शन के रूट्स हैं ठीक है रूट्स है? हैं तो इसको सेटिस्फाई satisfy करेंगे सेटिस्फाई करेंगे मीन्स इस फंक्शन में पुट करने पे हमें अल्फा और बीटा पुट करें तो हमें इनकी वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि ये दो रूट्स हैं तो यहाँ से एफ ओफ अल्फा भी हमारा जीरो आ गया एफ ओफ बीटा भी जीरो आ गया इट मीन्स एफओ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ओ बीटा अब रॉल्स थ्योरम की क्या होगी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हमारे पास एक सी आएगा जो ओपन इंटरवल अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा ठीक है सच दैट एफ डैस इक्व टू जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव करो फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फोर्टी फाइव एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया तो सी की पावर फोर माइनस नाइन आ गया ठीक है तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई सी स्क्वेयर माइनस थ्री सी स्क्यर प्लस थ्री लिख सकते हैं इसको सी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री आ गया ठीक है तो ये बीटा में लाई नहीं करता क्योंकि बीटा कहाँ लाई करता है टू टू फाइव में लाई करता है बट जो हमारा सी आया वो कहाँ है टू के लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है ठीक है समझ गए बीटा कहाँ लाई करते हैं टू और फाइव के बीच में लाई करते हैं बट जो हमारा सी आया वो कहाँ है टू के लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई सी नहीं मिला ठीक है तो इट मीन्स ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करता ऐसी कोई के की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते जिसके लिए इस फंक्शन के पास इस इक्वेशन के पास दो डिफरेंट रूट्स होंगे ठीक है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेंथ क्या कहते हैं कि इफ़ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स हैव डेरिवेटिव्स तीनों फंक्शन के हैं डेरीवेबल हैं किस इंटरवल पे क्लोज इंटरवल ए टू बी पे कहते हैं कि शो दैट देर इज वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी एफ डे सी जी डे सी एच डे सी इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब देखो ये है तो फंक्शन ही एक तरह का और गिवन बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें गिवन है तो वही हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने ऐसा शो करना होता है तो हमें एक फंक्शन कंसीडर करना होता है और इसी को देख के हमने कंसीडर करना ठीक है थीके? तो हमें तीनों फंक्शन डेरीवेबल दे रखे हैं इट मीन्स डेरीवेबल हैं तो कंटिन्यूस भी होंगे ठीक है तो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया कैपिटल एफ ओफ एक्स एफ ओ फे जी ओ फे एच ओ फे ये सारा सेम लास्ट लाइन देखो यहां पे डेरिवेटिव है तो मैंने यहां पे अगर मैं एफ ओफ एक्स लेट करती हूँ तो उसका डेरिवेटिव है डैश एक्स होगा फिर उसमें सी पुट करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि रोल्स थ्योरम से ही आया है ठीक है ऐसे ही जी ओफ एक्स लेट किया एच ओफ एक्स लेट किया ठीक है अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं ठीक है थर्ड रो से डिटर्मिनेंट खोलना आता है डिटर्मिनेंट अगर हम थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो एफ ओफ एक्स का कुछ कोफिशेंट uh, आएगा उसको मैंने ए मान लिया ऐसे जी ऑफ एक्स का कुछ कोफिशेंट आएगा उसको मैंने बी मान लिया ऐसे ही एच ओफ एक्स का कुछ कोफिशेंट आएगा उसको मैंने सी मान लिया ठीक है अब हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन हम कंसीडर करके चले हैं वो क्या है सम कांस्टेंट इंटू एफ ओफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट बी इंटू जी ओफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी इन टू एच ओफ एक्स ए बी सी के हमारे कॉन्स्टेंट हैं ठीक है थीके? तो अब हमारा फंक्शन हमें पता चल गया हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स सी एच ऑफ एक्स जो एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स है वो गिवन है हमें डेरीवेबल है डेरीवेबल है इट मीन कॉन्टिन्यूस है ठीक है अब हमें पता है कॉन्टीन्यूस और डिफ्रेंशियबलिटी में अलजैब्रा भी क्या होता है डिफ्रेंशियबल और कॉन्टीन्यूस होता है इट मीन्स सम माइनस जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं कॉन्टीन्यूअस डिफ्रेंशियबल होते हैं इट मीन्स डिफ्रेंशियबल फंक्शन का सम भी करेंगे लीनर कॉम्बिनेशन भी करेंगे वो भी क्या होगा डिफ्रेंशियबल भी होगा और कॉन्टीन्यूस भी होगा यहाँ से हमारा कैपिटल एफोफेक्ट्स क्या आ गया कॉन्टीन्यूस भी आ गया और डिफ्रेंशियबल भी आ गया तो अब रोज थोरम क्या कहती है थर्ड कंडीशन एफ ओफ एफ ओफ बी क्या इक्वल है पुट करो एफ ओफ ए पुट किया तो ये फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम थर्ड सेम में देखो थर्ड रो में क्या एफ ओफ ए बन गया जीरो फे एच ओफ ए बन गया फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो गए दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो एफ ओफ ए भी क्या गया जीरो ऐसे ही एक्स की जगह पे बी पुट करोगे तो दो रो हमारे क्या हो जाएगी आइडेंटिकल हो जाएंगी तो हमारा डिटरमिनेंट एफ ओफ बी भी जीरो ठीक है तो एफ ओ फी जी इज इक्वल्स टू एफ ओ बी आ गया सारी रोज फिर के कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हमारे पास एक सी आएगा सच दैट एफ डे सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो एफ ओ फे एफ डे सी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एफ ओ फे जी ओ फे ये तो सारे सेम आएंगे ना यहाँ पे देखो जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था वो ये था ठीक है डेरिवेटिव क्या ए एफ डैश एक्स प्लस बी जी डैश एक्स प्लस सी एच डैश एक्स इसको मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट सेकंड सेम थर्ड में डेरिवेटिव करके लिख सकती हूँ इस फॉर्म को ठीक है तो एक्स की जगह रिप्लेस कर दो सी हमने यही प्रूव करना था ठीक है अब हमारी लंग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट देखो क्या कहती है लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लॉज इंटरवल ए टू बी सच दैट फर्स्ट कंडीशन देखो एफ इज कंटिन्यूस इन क्लॉज इंटरवल ए टू बी एंड सेकेंड कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल वही सेम रॉल्स थ्योरम वाली दोनों कंडीशन है ठीक है थर्ड कंडीशन नहीं है यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो देन देर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी यहाँ पे बस ये एक्सप्रेशन हमारा अलग हो गया बाकी सारा रोल्स थ्योरम की तरह अलग थ्योरम की डेफिनेशन कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे डेरिवेबल है अपन इंटरवल पे तो एक सी आएगा एटलीस्ट वन सी आएगा जो हमें क्या देगा एफ डैस सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ओ बाई ए वहाँ पर हमने क्या किया था एफ डैस सी इक्वल्स टू जीरो मिल रहा था अभी सी की वैल्यू ये ध्यान रखना ठीक है ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल देखो कैसे वही सेम रॉज थिरम की तरह अप्लाई होगा कोई मैंने फंक्शन लिया जी ओफ एक्स क्या है टू एक्स माइनस एक्स केयर इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन लंग्रासिरम का यूज़ करना है पोलोमियल फंक्शन है हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं हर रिगल्स के लिए तो इस इंटरवल में भी कॉन्टीन्यूस होगा और पोलोमियल फंक्शन डिफ्रेंशेबल भी होते हैं डेरीवेटिव एग्जिस्ट करेगा क्या टू माइनस टू एक्स ठीक है तो हर रियल्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो एक, अगर हम जीरो से वन के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो भी एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स हमारा जो जी एक्स है वो क्या हो गया डेरीवेबल हो गया जीरो टू वन पे ठीक है लंग्रांस की दो ही कंडीशन है तो दोनों सेटिस्फाई हो गए कहते हैं कि देन ऐसा है तो एक सी आएगा ओपन इंटरवल ए टू बी से सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए अब बी क्या है हमारे पास वन ए क्या है जीरो हमें एफ ओफ वन निकालना है एफ ओफ जीरो निकालनी है ठीक तो है तो एफ डैश सी सी एफ डैश हमारे पास डेरीवेटिव फंक्शन का पड़ा है तो वहाँ पुट कर दो, इसको एफ ई मान लो कन्फ्यूज़न रहेगी टू माइनस टू सी पुट कर दिया ठीक है अब इधर एफ ओफ़ बी एफ ओफ बी क्या एफ ओफ़ वन वन की वैल्यू निकालो यहाँ से वन पुट किया टू इंटू वन माइनस वन स्क्र क्या आएगा वन नहीं आएगी माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो तो जीरो ही आएगा डिवाइडेड बाय बी माइनेस ए वन माइनस जीरो वन आएगा अब क्या आ गया हमारे पास टू माइनस टू सी इक्वल्स टू वन इट मीन्स सी की वैल्यू निकाल लो वन इक्वल्स टू टू सी आ गया सी की वैल्यू वन बाय टू आ गया और वन बाय टू जीरो से वन इंटरवल में लाई करता है लंगनांश थ्योरम क्या हो गई होल्ड कर गई वेरीफाइड कर गई ठीक है तो ऐसे है आपने लंगनाश थ्योरम